हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AS कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है पलायन को रोकने के लिए। नवीन तकनीकी खोज तथ्य को लोगों तक पहुंचाना किसका मुख्य कार्य है? प्रसार शिक्षा का। प्रतिधारण क्षमता का ज्ञानेंद्रिय समीकरण किसने दिया है? दहामा ने। दृष्टि की प्रतिधारणा क्षमता कितनी होती है? 83%। सीखने वाले की प्रतिधारण क्षमता कितनी होगी जब वह कार्य स्वयं संपादित करेगा? 90%। उपार्जित अभिप्रेरणा का तात्पर्य है अनुभव से उपार्जित अभिप्रेरणा। प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम चरण है ध्यानाकर्षण। देख व सुनकर सीखने वाले की प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? 50%। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तीन तत्व होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोध, प्रोत्साहन। प्रसार शिक्षा का चरण है AIDCKASE। AIDCKASE में ए का तात्पर्य क्या है? पहले ए का एक्शन, दूसरे ए का अटेंशन। आकांक्षा एक आंतरिक शक्ति है जो सीखने की क्रिया को मत्यात्मक प्रदान करती है। यह कथन सत्य है। प्रसार शिक्षा के चरणों को क्रमबद्ध करने पर क्रिया अटेंशन के बाद कौन सा चरण आता है? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। प्रसार कार्य से जुड़े सभी लोगों को क्या कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता। त्वचा नामक ज्ञानेंद्रियों का प्रतिधारण पर कितना प्रतिशत योगदान है? 1.5%। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।